राम राम, जय श्री राम गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारी वीडियो देख रहे होगे। आज काफ़ी दिनों के बाद आज अपन लोग भाई वीडियो बना रहे हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो, बट काफ़ी लंबा नहीं होगी क्योंकि गाइस हम लोग अभी क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ये आप लोगों को पता होगा, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी सारा शॉर्ट्स वीडियो, दो तीन वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर रखा है। और फिर मेरे बाजू में कान्हा जी हैं जिनको कि अपन लोग पूजा करते हैं। और फिर गाइस सीन कुछ ऐसा हुआ ना कि अपन अपने पापा को ना ब्रेन हैमरेज हो गया था गाइस, शुगर इतना लेवल बढ़ गया था, इतना हैवी वाला बढ़ गया था ना, उसके कारण ब्रेन हैमरेज हो गया था। तो मैं आप लोगों को शॉर्ट समरी में बता देता हूँ गाइस, बाकी का मेन वीडियो पापा जब पूरा रिकवर हो जाएंगे ना उसके बाद अपन लोग मेन वीडियो लाएंगे। तो सीन कुछ ऐसा हुआ ना कि अपन लोग तुरंत से 21 तारीख के दिन का भाई ये सब हादसा हुआ था। तो अपन लोग 21 तारीख को ही फिलहाल बिहार शरीफ में गए, वहाँ पे कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया। उसके बाद अपन लोग पटना शिफ्ट किए, वहाँ भी कहीं पे इमरजेंसी सब नहीं था तो एक हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा, वहाँ और भी कंडीशन ख़राब कर दिया था। तो फाइनली हम लोगों ने पारस में शिफ्ट करा वहाँ का आईसीयू में, और फिर अभी थोड़ा बहुत सुधार है। तो गाइस मेरा कहने का मतलब ये है ना भाई, डॉक्टर हो ना यार तो सही से चेकअप करो यार, क्योंकि कोई किसी का भी पेशेंट किसी का भाई होता है, किसी का बहन होती है, किसी का मम्मी होते हैं, किसी के पापा होते हैं, किसी के दादा दादी कुछ भी होते हैं, रिलेशन होते हैं। तो डॉक्टर लोग क्या सीन करते हैं ना भाई, किसी और का फैमिली है ना, बल्कि कितना ही गरीब क्यों ना हो, कितना भी अमीर क्यों ना हो, वो लोग पैसे के पीछे भागते हैं गाइस, ये आप लोग गौर करना। क्योंकि उनको क्या ना, उनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए, मरीज मरे या फिर जिंदा रहे कुछ उनको फ़र्क कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने एक जगह नहीं, दो तीन जगह मैंने ऐसा देखा अपने पापा को लेके, बिहार शरीफ में भी देखा, पटना में भी देखा, और अभी जो हॉस्पिटल में वहाँ तो भी फिलहाल सही है। तो इसके बारे में नहीं कुछ बोल सकते हैं, बट इंसान जल्दी सही हो जाए। लेकिन हाँ, जो भी डॉक्टर हो ना, प्लीज़ यार पैसा पे मत जाओ, किसी का पेशेंट है यार, किसी का दिल उससे लगा हुआ है भाई, कोई 15 साल 20 साल उसके साथ रहा है, उसके पिता को या फिर उसके भाई को कुछ हो जाए तो कैसा फीलिंग्स होती है ना, ये आप लोग समझ सकते हो। और फिर मेरा काफ़ी लाल लाल हो चुका है क्योंकि अपन लोग जब से पापा एडमिट हुए ना तब से अपन लोग सही से नहीं सो पाए गाइस, डेली टेंशन ही टेंशन, प्लस वीडियो भी नहीं ला पा रहे, वो तो आप लोग समझ सकते हो, आँख देख लो पूरा का पूरा लाल हो चुका है। तो अभी अपन लोग नहीं सो पाए सही से, तो बस इतना ही कुछ गाइस, ज़्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे। बस डॉक्टर लोग सचेत रहो यार, तुम्हारा ही फैमिली है, बस यही सोचो, जैसा करोगे वैसा आगे भरोगे, ये याद रखना, बस यही कुछ है गाइस। तो देखते हैं जैसा कुछ अपडेट होगा ना वैसा मैं आप लोग को अपडेट देता रहूँगा पापा से रिलेटेड। और फिर ये अपन लोग रूम लिए कहीं पे, एक होटल भी लिया हुआ है, दो जगह अपने रूम लिए हैं क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम होती है गाइस, तो मैनेज तो करना पड़ेगा। सो बाय बाय गाइस, अपडेट आप लोग को कंटिन्यू देते रहें गाइस शॉर्ट वीडियो में, और लास्ट में जब पूरा रिकवर हो जाएंगे उसके बाद अपन लोग एक फुल वीडियो लाएंगे अच्छा सा। अभी मेरा आँख भी अच्छा से नहीं खुल रहा है क्योंकि रेड रेड हो चुका है, काफ़ी दिनों से अपन लोग सोए नहीं है, मान लो ना 5-6 दिन हो चुका है, 6 दिन में मैंने सिर्फ बोलो ना तो 3 से 4 घंटे मैंने सोया है, बस उससे ज़्यादा मैंने नहीं सोया है। तो सोच लो यार क्या हालत हो चुका है अपने को। सो बाय बाय गाइस, बस इतना ही है, आप लोग कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे।